टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आप देख रहे हैं 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो साथियों आप लोगों के बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जुलाई से दिसंबर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वेटेज को देखते हुए दोस्तों आपके साथ इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। तो आज हम भाग चार देख रहे हैं साथियों। पिछले दस वर्षों के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको पता होगा। तो इसमें आज हमने 66 का पेपर देखा था, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं देखा है वो 66 का पेपर दोस्तों कंप्लीट एक बार देख लीजिएगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला प्रश्न आपके सामने क्या है साथियों। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायबिक। दोस्तों इन्होंने किस उद्देश्य के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबल पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफी अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के नोबल प्राइज की कैटेगरी में ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पर याद रखिएगा, बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक के द्वारा बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, यानी कि साथियों फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके ऊपर दोस्तों इन्हें क्या दिया गया है याद रखिएगा, इनको दिया गया है साथियों इकोनॉमिक्स का नोबल पुरस्कार। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या दिया गया है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का नोबल पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है, ये बात ध्यान रखें। क्लियर है बात सब लोगों को, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, सबको क्लियर है बात, वॉइस सबको प्रॉपर आ रही नहीं आ रही? अभी आप में से कितने स्टूडेंट्स दोस्तों सारी क्लासेस को एक्सेस कर रहे हैं, एक बार जरा अपना नाम बताएं, एक बार वाई लिखें, कितने बच्चे दोस्तों अपनी क्लासेस को एक्सेस कर रहे हैं, आंसर बताएं सब लोग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। 2021-22 के लिए महिला वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? साथियों याद रखिएगा, महिला वर्ग में 2021-22 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर से चुना गया है किसको? याद रखेंगे यहां पर पैलिस एल्बर्ट्स को चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखें किसको चुना गया है, पैलिस एल्बर्ट्स को दोस्तों चुना गया है यहाँ पर FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 में वुमेन कैटेगरी में। अगला प्रश्न साथियों ये है कि निम्नलिखित में से, जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे कल की क्लास में, 36वें राष्ट्रीय खेलों का, इसमें साथियों पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? साथियों याद रखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता गया है श्री हरि दोस्तों नटराज के द्वारा। किसके द्वारा? श्री हरि नटराज के द्वारा। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है? तब आप दोस्तों यहां पर फ्री स्टाइल स्विमिंग, या फिर आप यहां पर साथियों बोल सकते हैं फ्री स्टाइल तैराकी से इनका संबंध आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों अभी जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से देख रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न स्पोर्ट्स कैटेगरी से पूछे गए हैं, तो हमें स्पोर्ट्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कम से कम अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों हमारी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेकर बनी रहे। अगला प्रश्न है साथियों, मलेशिया के कुआलालंपुर में यहां पर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स जो चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, इसको दोस्तों किसने जीता है? साथियों ये जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 हुई थी, इसको जीतने का श्रेय जाता है पंकज आडवाणी को। और डायरेक्टली क्वेश्चन आपका यहां से भी अराइव हो जाता है कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तब आप दोस्तों आंसर करेंगे बिलियर्ड से इनका संबंध है दोस्तों, याद रखेंगे ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है आप लोगों के। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरीके से हरित स्रोतों में बदल गया है, जिससे यह हाल ही में भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया है, इसका नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज एंटायरली स्विच टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड्स, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा, 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में नाम आएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोस्तों आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाला पहला अभिनेता बन गया है? दोस्तों अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता का नाम यहां पर याद रखेंगे, ये हैं दोस्तों आपके टॉम क्रूज। कौन है टॉम क्रूज? दोस्तों वो पहले अभिनेता हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों का याद रखिएगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है आपके रोजर बिन्नी साहब को। किसको? रोजर बिन्नी साहब को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सब लोगों के लिए। अगला प्रश्न साथियों, सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, आप सेबी को जानते हैं दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि साथियों आपके भारत में जो पूंजी बाजार होता है, जो कैपिटल मार्केट है, उसका दोस्तों रेगुलेटर होता है आप लोगों का सेबी। तो पूंजी बाजार का जो नियामक है सेबी, इसके दोस्तों आप लोगों के होल टाइम मेंबर के रूप में, इसके साथियों पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो कार्यभार ग्रहण किया गया है, वो किया गया है साथियों किसके द्वारा, कोई बताएगा साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपके अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। कौन है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया? साथियों ये उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर किया गया है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में ये उद्घाटन किया गया, ऊना में इस उद्घाटन को किया गया था फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड किया है पहला चरण दोस्तों महाकाल लोक में, महाकाल लोक परियोजनाओं के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों फेज फर्स्ट महाकाल लोक प्रोजेक्ट का नेशन को समर्पित किया है श्री महाकाल लोक में। तो श्री महाकाल लोक आपके भारत के किस शहर में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। देखिए श्री महाकाल की जब भी कभी बात की जाती है तो दोस्तों उज्जैन का नाम आपके सामने आता है, उज्जैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए इजराइल और कौन सा देश सहमत हुए हैं? दोस्तों भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर दशकों पुराने विवादों को सुलझाने के लिए इजराइल और दोस्तों कौन सा देश सहमत हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा साथियों उस देश का नाम है आप लोगों का लेबनान। कौन सा नाम है दोस्तों देश का आप लोगों का? लेबनान आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है साथियों आप लोगों का, जम्मू कश्मीर जो है और दोस्तों लद्दाख हाईकोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? साथियों आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाईकोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं दोस्तों इनका नाम सब लोग जानते ही हैं। कौन है? बड़े फेमस व्यक्ति हैं, जस्टिस ए एम मागरे साहब। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनको ओथ किसके द्वारा दिलवाई गई है? जो भी साथियों चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी राज्य हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनको ओथ शपथ दिलवाई जाती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों शपथ कौन दिलवाएंगे? एलजी दिलवाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलवाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों का, कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट में दोस्तों प्रतिबंधित पदार्थ यहाँ पे स्टैनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, तो किस खेल से दोस्तों संबंधित है? देखिए कमलप्रीत कौर का नाम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इनको बैन कर दिया गया AIU के द्वारा और इन्होंने एक सब्सटेंस यूज किया है दोस्तों जिसका नाम है स्टैनोजोलोल। तो इनके लिए जो प्रतिबंधित किया गया है किस खेल से इनका संबंध है? तो दोस्तों ये डिस्कस थ्रोअर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आपने गेम देखा भी होगा डिस्कस थ्रोअर का, काफी इंपॉर्टेंट गेम होता है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न आप लोगों का, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, यानी कि साथियों यहां पर हम बात कर रहे हैं AFBCWF, तो ये वेलफेयर फंड है दोस्तों जो हमारे आर्म फोर्सेस के बैटल कॉजलिट जो हमारी कॉजलिटीज होती हैं एक तरीके की, कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कई सारी कॉजलिटी देखने को मिलती है, दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए वेलफेयर फंड यहाँ पर बनाया गया है
और हु हैज लॉन्च माँ भारती के सपूत वेबसाइट। तो यहाँ पर दोस्तों माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो ये श्रेय जाएगा हमारे राजनाथ सिंह जी के पास, जिन्होंने दोस्तों सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से हाल ही में चंबा हिमाचल प्रदेश में दो जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, जरा बताएं। साथियों ये आधारशिला रखी गई है दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर रखी गई है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। एक साथियों आप लोगों की 48 मेगावाट की है, एक परियोजना 48 मेगावाट की है। कितनी की है साथियों, एक परियोजना 48 मेगावाट की है और एक परियोजना आप लोगों की 30 मेगावाट की आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक दोस्तों देवथल चांजू जो जगह पड़ती है उसकी जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा, और एक चांजू थल जल विद्युत परियोजना है। तो दो परियोजनाओं का उद्घाटन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन चंबा हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के द्वारा किया गया। साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है दोस्तों किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस, ये दोस्तों कौन है आपके स्लेंडर लॉरिस की यहाँ पर बात करेंगे तो पहले भारतीय अभयारण्य की घोषणा की है दोस्तों। यहाँ पर पहली इंडियन सेंचुरी बनाई गई है, ये विलुप्त प्रजाति है स्लेंडर लॉरिस, इसके लिए दोस्तों किस राज्य सरकार का नाम सामने आएगा ये आपको बताना है दोस्तों। ऐसी पेशकश की गई है याद रखिएगा तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु में पहली भारतीय सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस के लिए, ये बात याद रखें। अगला प्रश्न साथियों, किस निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है दोस्तों। यहां पर प्रधानमंत्री अगर हम आवास योजना की बात करते हैं तो कौन से स्टेट ने सेकंड रैंड हासिल की है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में दोस्तों, तो ये करी है दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको किया गया अचीव, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, लिज ट्रस्ट ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो यहाँ पर लिज ट्रस्ट की बात कर रहे हैं और नए आपके यूके के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के आप सब जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना है किस पार्टी से संबंध रखते हैं साथियों। इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा साथियों। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जो किया जा रहा है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला है पुलिस कमेमोरेशन डे दोस्तों, या पुलिस स्मृति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है साथियों। 21 अक्टूबर को आपका पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक लुप्त प्राय प्रजाति गिद्धों के संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने एक लुप्त प्राय समझते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंडेंजर्ड जो समाप्त होने की कगार पर हैं, उनके लिए दोस्तों गिद्धों के संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है दोस्तों। याद रखिएगा ये गठन किया गया है किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तमिलनाडु के द्वारा इसका गठन किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ पर वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर SC कम्युनिटी, जो अनुसूचित जाति के समुदाय है उसकी कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की बात की है। और यहाँ पर दोस्तों 15% से 17% और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से 7% यहाँ पर रिजर्वेशन इंक्रीज करने की बात की है साथियों। ये स्टेट आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने दोस्तों ऐसा किया जहां पर 15% से 17% रिजर्वेशन SC कम्युनिटी के लिए और साथियों ST कम्युनिटी के लिए 3% से 7% रिजर्वेशन की बात यहां पर की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस देश के दूतावास ने एक मादक पेय न्योहोंशी के लिए GI टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है साथियों। कौन सी कंट्री के एम्बेसी ने एक एप्लीकेशन फाइंड आउट किया सीकिंग GI टैग फॉर निहांशु, ये दोस्तों एक अल्कोहलिक बिवरेज आपको देखने को मिलेगा, एक अल्कोहलिक पेय है, इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेत टैग की बात की गई है।
तो साथियों ये जो आप पेय पदार्थ देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जापान का दोस्तों ये पेय पदार्थ आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, डीजीसीए के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा इसने दोस्तों ग्रांट किया है, स्वीकार किया है किसको, एरोड्रोम लाइसेंस। यहां पर किसको ग्रांट करा है, मतलब किसको सौंपा है दोस्तों, किसको लाइसेंस दिया एरोड्रोम का, यहां पर दिया गया है दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट को। तो जयपुर एयरपोर्ट आपके भारत के किस राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो नागरिक उड्डयन निदेशालय ने दोस्तों जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डे लाइसेंस प्रदान किया है। तो यहाँ पर ये किस राज्य में, तो दोस्तों जयपुर चूंकि अगर हम बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में, कहां पर, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा 2021 और 2022 के लिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021 और 2022 से नवाजा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि दोस्तों इस पर्टिकुलर संस्थान के द्वारा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कई सारे पेटेंट को यहाँ पर सामने रखा गया है, और दोस्तों ये संस्थान है आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा दोस्तों ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओला कंपनी ने देश में अपना सबसे किफायती स्कूटर ओला S1 एयर लॉन्च कर दिया है। आपको बताना है दोस्तों ओला का मुख्यालय कहां आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ओला कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं, ओला कैब्स वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और ओला कंपनी ने देश का अपना सबसे किफायती जो इलेक्ट्रिक स्कूटर रखा है, इसका नाम है दोस्तों आपका ओला S1 एयर, याद रखिएगा सब लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों FATF आपकी FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा रिमूव किया गया है पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से, ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो पाकिस्तान किस वर्ष ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था साथियों, पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था वो आप सबको पता होगा, वर्ष 2018 में शामिल हुआ था, कब दोस्तों वर्ष 2018 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों का, 3 साल की अवधि के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के दोस्तों जो चेयरमैन बनाए गए हैं इनका नाम क्या है। दोस्तों इनका नाम है दोस्तों जक्षय शाह, अमित शाह के भैया नहीं है, कभी जय शाह कर दो, जक्षय शाह दिख रहा है दोस्तों, जय शाह तो नहीं है कहीं, जक्षय शाह का नाम एक बार चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शंकर सुब्रमण्यम को इसरो जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के किस मिशन के लिए प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों एक शंकर सुब्रमण्यम साहब हैं, इनको बनाया गया है दोस्तों आप लोगों का क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया गया है। तो दोस्तों इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन के लिए दोस्तों शंकर सुब्रमण्यम को इसरो का प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक चंद्रयान 3 या चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दोस्तों बाय विच ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्लान कर रहा है कि ये अपना चंद्रयान 3 दोस्तों लॉन्च करेगा और ये मून पर तीसरा मिशन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो साथियों याद रखिएगा, 30 से तीसरा और लास्ट में जिसके 3 आता है, यानी कि 2023 तक दोस्तों चंद्रयान 3 अपना तीसरा मिशन लॉन्च करने की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, 3 से चंद्रयान 3 और 3 से ही दोस्तों आपका 2023। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्र के इजिप्ट के काहिरा यानी कि इसकी राजधानी में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक दोस्तों किसने जीता है। गोल्ड एंड सिल्वर जीता है जूनियर्स मैन 10 मीटर एयर पिस्टल टीम का, दोस्तों आपको नाम बताना है। एंड इंडिविजुअल इवेंट्स इन काहिरा इजिप्ट में दोस्तों ये पुरस्कार जीता गया। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि है आपके सागर डांगी, कौन है दोस्तों, सागर डांगी की बात यहां पर हम करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे दोस्तों आपका हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, इसकी स्थापना हुई थी आप सबको पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के एकमात्र व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और सम्मेलन का 5वां संस्करण जिसका नाम है दोस्तों विंड एनर्जी इंडिया 2030।
23 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर विंड और यहाँ पर लिया गया एनर्जी, ठीक है, तो इससे वर्ड निकला है विंड एनर्जी, ठीक है। तो विंड एनर्जी की इंडिया की बात करते हैं तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में इसको आयोजन करने की बात की जा रही है ये आपको बताना है। साथियों इसका आयोजन करने की बात की जा रही है कहां पर, चेन्नई में इसका आयोजन करने की बात की जा रही है, याद रखिएगा। इसके बाद रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया, रतलामी सेव दोस्तों सहित भौगोलिक संकेत की स्थिति के साथ पूरे भारत के 17 खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैदराबादी हलीम ने उन सभी को हराकर भोजन में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है। श्रेणी 1 जीआई टैग की अवधि क्या है दोस्तों, आपको बताना है जीआई टैग की अवधि क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 17 फूड आइटम दोस्तों इंडिया से आए जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस की बात की जा रही है कॉम्पिटिशन में, जिसमें अलग अलग आपके यहाँ पर दोस्तों रसगुल्ला की बात करेंगे, बीकानेरी भुजिया, रतलामी सेव, तो हैदराबादी हलीम बीट ऑल ऑफ देम टू बैक द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड फूड कैटेगरी। तो मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड फूड कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर नाम आया है किसका, हैदराबादी हलीम का। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो जीआई टैग की दोस्तों ड्यूरेशन कितने साल की रहती है, तो याद रखिएगा इसकी ड्यूरेशन रहती है दोस्तों 10 साल की, 10 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए ईमानदारी की दुकान शुरू की है, ऑनेस्टी शॉप दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है अप टू क्लास 12। साथियों शुरुआत की गई है आपकी किसके द्वारा, केरल के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, किस राज्य सरकार ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कुंजब को लॉन्च किया है। कुंजब दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा कुंजब को दोस्तों लॉन्च किया गया है आपकी केरल के द्वारा, याद रखें। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 26 अक्टूबर 2022 को यहां पर दोस्तों बैस्टू वर्ष या नया साल मनाया गया। दोस्तों 26 अक्टूबर 2022 को जो नया वर्ष बनाया गया या बैस्टू वर्ष मनाया गया, ये मनाया गया दोस्तों आपके गुजरात के द्वारा, किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। अब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्वेश्चन दोबारा आता है, एक ग्रे लिस्ट का क्वेश्चन था पाकिस्तान को लेकर, इन्होंने दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने एक ब्लैक लिस्ट बना रखी है और इन्होंने हाई रिस्क कंट्रीज में किस कंट्री को शामिल किया है और इसको ब्लैक लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने शामिल किया है म्यांमार को, अभी हाल फिलहाल में एफएटीएफ के द्वारा अक्टूबर में दोस्तों म्यांमार को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों एके गोयल किस बैंक के दोस्तों आपके चेयरमैन बनाए गए हैं ये आपको बताना है। दोस्तों एके गोयल को जो चेयरमैन बनाया गया है ये पंजाब नेशनल बैंक के दोस्तों आपके चेयरमैन बनाए गए हैं, और याद रखिएगा जिस बैंक में पंजाब लग जाए उसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ होता है, दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। तो पंजाब जैसा एक बैंक और है पंजाब एंड सिंध बैंक दोस्तों, इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड्स के लिए आपको देखने को मिल रहा है, इसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन है उनका नाम आपको बताना है, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड्स के लिए देखने को मिल रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों युवराज सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022 दोस्तों अभी जीता है, इसका नाम आपको बताना है। दोस्तों ये पुरस्कार जीता गया है आप लोगों के कर्नाटक बैंक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, कर्नाटक बैंक के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेंगुइन तंजुनी को फीफा महिला विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में, मास्कॉट के रूप में दोस्तों अनावरण किया गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ओशियाना कॉन्टिनेंट की हमारी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहां पर दोस्तों आपका क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा आप लोगों का दोस्तों विश्व कप 2023, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन की यहाँ पर समाप्ति करते हैं, शॉर्ट सेशन था, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द, और अभी आपसे जब रूबरू होऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासेस में, सारे यूट्यूब के जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनको आप देखते रहें, अच्छे तरीके से उनको आप पढ़ते रहें, और जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, आज मैंने बजट के ऊपर दोस्तों क्लास ली थी आपकी, सबसे पहली क्लास दोस्तों आपकी बजट के ऊपर ली गई थी आपको पता होगा,
और बजट के बाद आपकी क्लास एक 10 ईयर्स के पेपर की ली गई और आपके करंट अफेयर्स की क्लास ली गई। तो जितनी भी क्लासेस मैं आपके साथ ले रहा हूँ उसको दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ रही होंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।